50 दिन तो चले गए और प्रधानमंत्री जानते कोई उनको उनको कोई सजा तो देने वाला नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो बोलता है उसको उसको जनता सोचती है कि वचनबद्ध है। ये जो बोलेंगे वो जरूर करके दिखाएंगे। बस वो वही मैं कह रहा हूं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बिल्कुल हो रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप लोगों ने एक तो जरूर करा है कि इस देश की जितनी महिलाएं हैं उनको अपना दुश्मन बना लिया है। ये प्रधानमंत्री जी समझ नहीं सकते, इसलिए उनको नहीं कहना चाहिए। बाकी आप लोग तो मेरे ख्याल से बहुत लोग विवाहित होंगे, आप समझ सकते हैं। स्त्री धन जो अपना वो जमा करती थी, वो जो अपने पति से कभी नहीं बताती थी, आज उसको बताना पड़ रहा है। ये उसका कष्ट। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल आप और करिए, ट्रांसपेरेंसी हर तरह से होनी चाहिए कि कितना पैसा आया। आपने ये बताइए 31 मार्च तक आरबीआई में आपने कहा था कि पैसा आप जमा करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? अब क्या कारण है? आप अपनी बात से कैसे पलट सकते हैं? रोज नए कानून आ जाते हैं कि अब नहीं कर सकते, 30 तारीख तक ये करना है, 31 तारीख तक ये करना है, 32 तारीख तक ये क्या है? तो ये आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इसको मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप तो चुप हो गए। अब उसके नोटबंदी के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। मेरी 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 समझ के पूरा बाहर है इस सरकार का। मैं किसान के बारे में, मैं अब अगला किसान, मुझे आश्चर्य है। मैं ये बात कोई नहीं उठा रहा, मैं बार बार इस बात को उठाना चाहता हूं कि किसान के बारे में आप ना कभी सोचे हैं ना आगे सोचेंगे। कह रहे हैं जब से बोला कि इसकी वजह से बुआई ज्यादा हुई है और ज्यादा फसल होगी आने वाले समय में। मैं मानता हूं होगी, लेकिन फिर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी 10% वीट पे, वो आपने खत्म क्यों कर दी? ये मुझे आज तक नहीं समझ पाया और सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है। जो भी जवाब देगा इसका, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आगे आने वाले समय में अगर वीट का उत्पाद बढ़ने वाला है तो आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको खत्म क्यों कर दिया 10%? कि आप बाहर से मंगाएंगे और इस देश के किसान की जो एमएसपी है, जो उसको आप बढ़ाने के लिए आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि 2.5 गुना करेंगे, और उससे पीछे होकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हम ये कर ही नहीं सकते, तो आप क्या कर रहे हैं किसानों के साथ? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। 2014-15 पे हम लोग 76वें स्थान पे थे और 16 में हम लोग 79th पोजिशन में आ गए। मतलब क्या हुआ इसका? कि करप्शन बढ़ रहा है इस देश में, जो 14-15 में था उससे बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो आप तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग तो भगवान के अवतरित हैं। सब लोग नागपुर से शिक्षा लेके आए, इसलिए आप लोग करप्शन के बारे में तो जानते ही नहीं है। बस इधर के लोग जानते हैं, उधर के लोग तो करप्शन के बारे में जानते ही नहीं, समझ ही नहीं आता उनको। डिजिटल इंडिया, सारा देश अब डिजिटल होने वाला है, बिल्कुल हो गया। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया तो हो गया, जो प्रधानमंत्री जी बोल देते वो हो जाता है, हो गया। योगा हमने सबने सीख ली, स्वच्छ भारत हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, सब कुछ हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्किल इंडिया, सारे सब कुछ हो चुका है। अब नया है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में है कि सब लोग अभी तक मुझे नहीं समझ में आया, थोड़े हम लोग बलिया का हूं, दिल्ली में पढ़ाई जरूर किया हूं लेकिन बलिया का हूं, सभी अभी समझ में नहीं। किसी एक साथी से समय लेकर मैं सीखूंगा कैसे डिजिटल इंडिया होगा। एक ही मेरे ख्याल से पूरा एक ही देश है, अगर मैं गलत ना हूं, स्वीडन, जो पूरा कैशलेस और डिजिटल है। वहां इंटरनेट नेट कनेक्टिविटी 100% है, वहां पढ़े लिखे लोग, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। इस देश में कैसे होगा मैं जानना चाहूंगा। पता नहीं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी कभी बलिया गए हैं कि नहीं, कभी छपरा गए हैं कि नहीं, कभी चंपारण गए हैं कि नहीं, कभी कालाहांडी गए हैं कि नहीं, कभी बोलनगीर गए हैं कि नहीं, कभी छत्तीसगढ़ गए हैं कि नहीं। इस देश को पहले जानिए फिर बोलिए कि डिजिटल इंडिया हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता किस कल्पना में रह रहे। मैं तो हमेशा ही बात कहता हूं, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी इस देश की वास्तविकता जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, अब 2.5 साल से प्रधानमंत्री हैं,
तो 17 साल से तो जनता से दूर है। बताइए किसी दिन जब थे रोड से गए और कहीं रोक के पूछा, हेलीकॉप्टर से गए होंगे, भाषण दिए होंगे, फिर गांधीनगर आ गए होंगे। बताए कभी कभी किसी गरीब किसी गांव में गए, वहां पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? और अभी कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य है, एक भाषण मैंने सुना था लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का कि 18,000 गांव को हमने दे दिया बिजली। आज अगर इसमें नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के भाषण के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने उसमें बोला था कि हमने सरकार में आने के बाद 18,000 गांव को बिजली दी है। टारगेट नहीं, उन्होंने कहा था। आप फिर से उसमें जिसमें मनरेगा की टिप्पणी की थी उसने, आप वो भाषण सुनिएगा, आप वो भाषण फिर से सुनिएगा। और उसमें उन्होंने कहा था मैंने, और वो मैं उस पर चलिए 18,000, इसमें 11,000 कर दिया आपने, मैं 18,000 मान लेता हूं। किससे हुआ है वो कार्यक्रम पहले से चल रहा है, राजीव गांधी विद्युतीकरण में, मैं बलिया का जानता हूं। ये आप लोग ने दीनदयाल उपाध्याय में कितना पैसा दिया है? मैं आश्चर्य करता हूं, आप कोई भाषण देते जाते हैं और हम लोग सुनते जाते हैं। मैं आश्चर्य करता हूं कि इस देश के लोग, मैं यही कह रहा हूं, अपने बच्चों को सिखाइए कि वो प्रश्न कर सकें। इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, किसी से भी प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सके, ये मैं चाहता हूं इस देश में हो। आप लोग सिखा रहे हैं कि नहीं, प्रश्न नहीं करना किसी से। प्रधानमंत्री ने बोल दिया अगर आप उनके से प्रश्न कर लेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। अभी कह रहे थे बड़े दिल का बनिए, माननीय मंत्री जी आप लोगों बड़े दिल का बनने के है आवश्यकता। वो सहस्त्र बुद्धि जी कह रहे थे हम लोग लाल बत्ती और घर के लिए नहीं आए हैं, उसी लिए आए सहस्त्र बुद्धि जी, आप उसी के लिए आए और किसी का कारण के लिए नहीं आए हैं। आप लोग ने सबसे बड़ा काम जो आने के बाद किया कि घर खाली कराओ सबके, सबसे बड़े घर में हम लोग रहेंगे, चाहे फर्स्ट टाइम का हो चाहे सेकंड टाइम का हो, वो नहीं, पहले हम लोग रहेंगे और लाल बत्ती में चलेंगे। किसके घर पे ज्यादा बैरिकेडिंग है? आज मैं देखता हूं, मैं हैरान रहता हूं, जो लोग सिद्धांत की बात करते थे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उन लोगों के साथ चल रही है। इसलिए सिद्धांत दूसरों के लिए नहीं, अपने पे भी लागू करिए। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग।